रसोई डीजल और पेट्रोल इन तीनों की कीमतों में अनाप शनाप है और इस वृद्धि के लिए सीधे रूप से केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में अप्रत्याशित वृद्धि की है, कई प्रकार के सेस लगा दिए हैं और जिसके कारण लगभग 36 रुपये प्रति लीटर की महंगाई डीजल पेट्रोल के ऊपर बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई है। इसलिए पूरे देश में हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे देश में धरने, प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होती है तो आप जानते हैं कि सारी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और आम आदमी कोविड के कारण, इस महामारी के कारण बेरोज़गार हो गया है, उसके आमदनी के साधन कम हो गए हैं। तो एक तरफ आमदनी नहीं और दूसरी तरफ महंगाई में वृद्धि, उसके कारण आम जनता परेशान है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो है तत्काल एक्साइज की बढ़ी हुई जो दरें हैं उनको कम करके डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को सस्ता करे, ताकि आम आदमी का जीवन जीना आदमी का जीना सुलभ